आरती गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, रमजान लाल ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी मच्छर के आई थी ब्लॉग की शुरुआत करने के लिए। और ये देखो, सुनो, क्यों आया भाई तुम? और गंदे बच्चे, ये कुछ भी नहीं है इसका तो। हाँ, क्यों आया? माता रानी का फिर नवरात्रा है तो आज कढ़ाई करेंगे, पूजन का आज कन्या बैठाएंगे ना, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं अभी। तो पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। कुछ काम तो मैंने कर लिए अभी, और थोड़े से काम करके साफ़ सफाई करके घर की अभी मैं नहा चुकी हूँ। बच्चे भी उठ चुके हैं और अभी वो तैयार हो रहे हैं, मतलब नहा रहे हैं, क्योंकि पूजा की तैयारी करनी है ना अभी। तो मैंने कुछ तैयारी कर ली, कुछ अभी मैं जाके बना रही हूँ, दिखा रही हूँ क्या क्या बना लिया और मैं क्या क्या और तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि लेट हो जाएंगे, नहीं तो फिर बच्चे उठने का वेट करती थी मैं। बच्चे थोड़ा सा रात में लेट तक चल काम करते, अपना कॉलेज वॉलेज का चल रहे हैं, उनका टेस्ट पेपर चल रहे हैं आजकल, तो अभी वो उठ चुके हैं। तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या बना रहे हैं। हम यहाँ पर आई ना तो ये मेरे साथ आके बैठे, चलो अंदर, चलो 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 चलो, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, गए तब गए तब गए तब। यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं। यहाँ पे बन चुकी है खीर, ये बन चुके हैं चने मसाला, और यहाँ पे बन चुकी है आलू की तरीदार सब्जी। तो इतना काम तो मेरा हो चुका है, अभी चाहे पूरी बनाऊँगी अभी और अलवा। अब मम्मी भी अभी नहा रही है, मम्मी भी काम करवा रही थी अभी तक, जब तक वो ना के आती है मैं तब तक आटा गूंद लेती हूँ और हलवे की तैयारी कर लेती हूँ। चल रहा है अभी हलवा बनने, बन रहा है मतलब। तो अभी माता रानी का वो तैयार है, सारा सामान ले आई हूँ और अभी कर लेती हूँ दुपट्टी। तो अभी माता रानी के नवरात्रि हो चुके हैं पूरे और माता रानी की आरती हो चुकी है। और ये देखिए हमारे जो हमें कितने बड़े बड़े हो गए ना, ये देखो इसकी बार बहुत अच्छे हुए हैं माता रानी के दया से। तो चलिए अभी सभी को आरती देते हैं हम और फिर कन्या को पूजन करते हैं, कन्या पूजन। तो चलो नीचे चलते हैं, सभी आरती। तो चलो बोलो दादी, घरा की महिमा तो उठ के मार के देता दिन ठीक है, कपड़े चलो खाना शुरू करो। अबे मैं तो पढ़ के आती हूं अभी खा के सोना है। लो भाई को खिलाई को अपने थाले के ले ले, तू टीटू सोना पीछे को कहीं को नहीं तो खा लेगी काम की का या पीछे को कर गई आ गया ले ये इसके इसकी दिए ये सब पिछली बार बोला था ना ज्योमेट्री बॉक्स लेके आना था, तो मैं बोली वो नहीं दी फिर वो नहीं मारा खाता नहीं लिया आईडी इंस्टा की यूट्यूब पर देख के हमारी नहीं दो है ना चैनल तो मनीषा जालीवाल फैमिली बता देंगे। एक तो पता है क्या नाम है, मैं सर्च की थी स्पेलिंग करके पूनम जालीवाल है ना, पूनम जालीवाल के नाम से। हां तो फिर फोन लेके आ जाएगी, सिटी में सर्च कर देंगे। अच्छा हेलो फोन लिए ही है। कैसा बनाया खाना? हां तो चल फोन पे ले लिया, कैसा बना था मां का है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब्जी भी अच्छी। सब्जी भी अच्छी बोल रही ये सुबह सुबह ना, तो सुबह सुबह सबसे सबका घर में जाके आ गए ना, 9-10 बजने वाले हैं, तो ये सुबह 6 बजे पेट भर चुका है सबका, 6 बजे 6:30 बजे रहे थे जब मैं दूध लेके जब जा रही थी कहाँ पे, क्यों उस मंदिर वाले घर में पिंक सभी के लिए पिंक नहीं होगी भाई, देखो कलर सारे हैं, देख
अब एक सोना को दे दो। सोना कौन सा कलर चाहिए बता, कौन सा? ये वाला बढ़िया था भाई, सोना बढ़िया मिलती बाय बच्चों, बाय 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 सोना, बाय बाय, मिलते हैं ओके नमस्ते पे, बाय 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 दीदी, बाय 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 बाय। तो चलो माता रानी का भंडारा अच्छे से निपट गया और सारे बच्चे खूब खुश हो गए, क्योंकि जो चीज बच्चों को चाहिए होती है ना वो दे देना, तो पैसे क्या करेंगे, पैसे दे दे बच्चे को, उनको भी खोल दिया और उनको को जिंदा से बंद कर रखा था, खाया कौन है इसकी कामानी ना ना लेगी वो, खाया कौन, बंद कर रखा दी, क्योंकि बच्चे अभी इस टाइम खाना पूरा सबका पेट भर रहा है, तो खा के थोड़ा थोड़ा खाया फिर भी अच्छा लगा उनको, हर बार मैं खाना बनाऊ ना तो सब खा के जाया करे, आपकी बार थोड़ा लेट हो गया, मैं दस तो हमारे बच्चे नहीं उठे, मेन तो मैं अकेली लग रही, सुबह कहते दादी थोड़ी हेल्प करवाई थी, अभी तो हाँ प्रदीप ने करवाई थोड़ी सी सफाई में, थोड़ी थोड़ी इतनी सी, नहीं प्रदीप ने करवाई मनीषा, तो लास्ट में चली मनीषा, तो वीडियो वगैरह बनाना मैं, बाकी सभी ऑल ओवर अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, सब पूरा अच्छा बन गया और माता रानी का भंडारा भी अच्छे से निपट गया, 10 बजे तक हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया। यस, ये देखिए, और अभी बच्चों को खाना दे देते हैं, बाकी सब मिलते हैं थोड़ी देर, और फिर मुझे कॉलेज भी जाना है, पर वो भी तो दिखा मनीषा को टेस्टिंग के लिए, प्रदीप के लिए दिखाऊंगा ना कैसा खाना बना, हाँ तो मुझे कॉलेज जाना है, जल्दी लेट हो जाएगी, मनीषा भी कॉलेज जाएगी खाना वाना खा के, क्योंकि लेट हो जाएगी, नहीं तो 10 बजे 12 बजे तक निकल जाएगी अभी, तो चलो अभी क्योंकि काम हो गया सारा खत्म और अच्छे से सारा निपट गया, चलो इस दोनों को खाना देते, प्रदीप तो नहीं जा रहे आज, क्योंकि प्रदीप को सुबह होते हैं कॉलेज, कल जाएंगे गांव, पापा क्या नाक की धोखा मारना, कल जाएंगे गांव, कल जाएंगे गांव में, गांव में का लोग बनेगा कल, ब्रूनो 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 की नजर खाने पे है, ए दादी ब्रूनो की नजर खाने पे है, ये खाना भी हो चुका सभी का तैयार, ये देखो सभी खाना खा रहे हैं, बताओ भाई अपना अपना एक्सपीरियंस कैसा बना खाना, बढ़िया बना, हलवा छोले सब्जी, ये देखो खाने के बीच बीच में फोन पे बात कर रहे हैं, बताएं कैसे बना खाना, बहुत अच्छा, तो मैं तो अभी नहीं खा रही भाई, मैं तो बाद में खाऊंगी, देखेंगे कैसा क्या बना है बाद में, अभी ये खा लेते हैं फिर करते हैं काम, अभी तक बनाया है बनाया है काम, तो अभी बाकी है, बुनो कैसे बने चने, इसका डाल दिया भाई, चने तो कैसे लगे चने, और खाने हैं, ये बोल रहे और चाहिए मेरे को, नहीं कैसे थे रहा है? मिक्सचर बना के खाओ है, जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए, गाड़ी को गाड़ी में तेल वेल डलवा लेंगे, मनीषा को भी ले आऊंगे, क्योंकि आज सारा दिन हो गया घर में पड़े पड़े बोर हो रहे थे, देखते ये हमारा रोड ना पता नहीं किस तरह का है, पूरा हिला रहा है, पूरा बॉडी शेक कर दे है, तो अभी मनीषा को भी ले आऊंगे साथ में जाते जाते, मेरा मन था इसका मन तो नहीं था, ये तो बोल रहा मैं अकेला जाऊंगा, इतना गंदा है ये,
तो इसलिए मैंने सोचा मैं घूम के आ जाऊंगी। तो चलिए मनीषा को भी लेके आ रहे हैं कॉलेज से आने वाले हैं। बस हमारी दूसरी हेलो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम टू व्लॉग। तेल डलवाने जा रहे हैं, मनीषा को लेने जा रहे हैं। तेल डलवा ले, मनीषा ले आऊंगे, पैसे दे दो। चलो बाय गाइस, आ रहे हैं बस। वेलकम टू माय व्लॉग। ये ले लिए हमने, ये लड़की हमारी, शक्ल देखो इसकी, ऐसी शक्ल को बना रखी गंदी सी, मिट्टी की पूरे रास्ते। ना ना वो तो चल ठीक है, फिर वो असाइनमेंट कहाँ गई? तेल लेने। जूस कौन लिया? ठंडा पी लिया क्या जूस ज्यादा? वो नहीं होते क्या, वो हल्के छोटे छोटे जो अच्छा, गले में वो खर्ची कर देते। नहीं तो बर्फ से ना गिरवाई है, फाइबर ऑप्टिक आ गया गले में। इसलिए तो लेना आगे सोनट का खाना पीने के लिए आई है सोनट। जब भी तो आप गाड़ी में तेल डलवा रहे, सुबह सुबह निकल लेंगे ना। तो फ्रेंड्स अभी आके मनीषा को लेके आए, चाय वाय पिला दी है मनीषा को, और प्रदीप को भी चाय बना के दे दी है मैंने। अभी हो चुका है मेरा शाम का खाने का टाइम, तो अभी मैं शाम का खाना बनाऊंगी, वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। मतलब वीडियो वैसे ही दिखाऊंगी, रेसिपी शेयर नहीं करी, घबराओ मत आप लोग, क्योंकि मैं ज़्यादा रेसिपी शेयर नहीं करती। हमारी जो ये है ना एडिटर साहिबा, ये पसरी हुई, ये मेरे को रेसिपी शेयर करने नहीं देती। तो आप लोगों को रेसिपी पसंद हो तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताओ कि आपको रेसिपी चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर वैसे ही ब्लॉग चाहिए आप लोगों को, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताओ। क्योंकि हमारी जो एडिटर है ना, ये मना कर देती, मम्मी रेसिपी मत डालो, कि इतनी लंबी वीडियो बनाते हो, ये वो ऐसे, क्योंकि इसको एडिटिंग करनी पड़ती है। मेरा तो बल्कि सरदर्दी मेरी है, क्योंकि कैमरा सेट करो, एक एक चीज़ को अच्छे प्रोफेशनली तरीके से दिखाओ, अच्छे तरह मतलब करना पड़ता है थोड़ी तैयारी। अगर नहीं तो मैं वैसे जाके अपने कटपट किया और सब्जी बना दी, और अगर मैंने वीडियो बनानी होती है तो उसके लिए मैं प्रॉपर अच्छी तरह क्लीनिंग करके, अच्छी तरह एक एक चीज़ को अच्छी तरह सेट करके फिर मैं वीडियो बनाती हूँ, फिर दिक्कत इसको होती है। तो वो आप लोग कमेंट करके एक बार प्लीज़ ज़रूर बताओ कि मैं रेसिपी डालूँ या ना डालूँ वीडियो ब्लॉगिंग में। तो अभी मैं दिखा रही हूँ, हमारी जो ये एडिटर साहिबा है वो थक चुकी है कॉलेज से, सुबह गई थी, सुबह तो क्या गई थी 12 बजे, 11:30 बजे गई थी, 11:30 बजे, और अभी आई है, हम इसको लेके आए कि आप लोगों ने देख भी लिया। तो अभी इसका लंबा लेट हो चुके ही है बोलने में, थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ। इनको मैं बोल रही थी इसके साथ, इसके इसको देख के ये भी सो गया। मैं इसको बोल रही एक वीडियो एडिट कर दे बेटा, कल गांव जाना है तो कल नहीं हो पाएगी वीडियो एडिटिंग। अरे कितने अच्छे लग रहे, मैं दोनों बच्चे सोए हुए और क्यूटी वो नहीं चलिए मस्ती ऐसे शुरू रहेगी। मैं अभी बना लेती हूँ खाना, मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं जब तक तैयारी कर लेती हूँ खाने की। अभी बन रही है पनीर कोफ्ते, ये तैयार कर लिए हैं, और ये मसाला है, ये देखिए टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, इसमें सब पीस लिया मैंने, और ये हैं सूखे मसाले, इसमें धनिया, जीरा और लाल मिर्ची और हल्दी पाउडर है, ये प्याज पीस लिए हैं। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर, अभी मैं बना लेती हूँ कोफ्ते की सब्जी, पनीर कोफ्ता। फ्रेंड्स हमारी पनीर कोफ्ता हो चुकी है तैयार, यम्मी सी पनीर कोफ्ता है ये। हाँ पनीर कोफ्ता, और ये देखिए सुबह वो जो खीर बनाई थी ना, तो मनीषा जल्दी चली गई थी किस पे है कॉलेज में, और अभी एक ठंडी ठंडी खीर खाएगी मनीषा। कहाँ गई रे? अरे कहाँ गई गंदी बच्ची, मैं वीडियो बना रही हूँ, ये गुम हो गई, मैं सोची मैंने कहा मैं कितनी सुंदर हूँ। तो ये अभी खाना खाएगी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, क्योंकि अभी आके रेस्ट किया थोड़ी देर, तो खीर तो यम्मी बनी थी आज सुबह वाले, सारा खाना ही अच्छा था सुबह वाला, तो खीर, हलवा, पूड़ी, छोले और क्या था भाई, यही था। हाँ सच्ची आलू की सब्जी भी तो थी, तो सब कुछ अच्छा था। अभी पनीर कोफ्ता बना दिया, जो जिसका जो दिल करेगा, हलवा भी बचा, खीर भी है, सुबह वाली सब्जी भी है, छोले भी हैं और पनीर कोफ्ता भी है, जो जिसका दिल करेगा वो खाएगा। और पनीर की सब्जी भी मैंने चेक की है, मनीषा ने चेक की तो अच्छी बनी है वो, बहुत अच्छी, पनीर कोफ्ता मतलब, पनीर की नहीं, पनीर कोफ्ता। बस थोड़ी सी रोटी और बना लेती हूँ मैं, फिर
मिलते हैं थोड़ी देर में।